जींद में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि 2005 में हमारी सरकार चली गई थी और कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भिजवा दिया था। जिनको नौकरी मिली उनकी तरक्की हो गई और नौकरी देने वाले मुखिया को सजा हो गई। वो हमेशा चौधरी देवीलाल के दिखाए गए रास्तों पर चलकर दूषित वातावरण को सुधारने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें छोड़कर गए थे वो हमसे जुड़ना चाह रही है, हमारे किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार को जाट धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में सभी देशवासी मिलकर रहते थे, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है। यह लोग पैसे के लोभी हैं और देश को लूटने में विश्वास रखते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान खुशहाल होगा तो देश भी मालामाल होगा, लेकिन देश के किसानों की हालत बहुत खराब है। देश पर 350 लाख करोड़ का कर्ज है, स्कूल में अध्यापक नहीं है और अस्पताल में दवाई और डॉक्टर नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई आसमान को छू रही है। आज हम जो फसल पैदा करते हैं उसको कोई खरीदता नहीं है, लेकिन इससे फसल से कोई वस्तु बनाकर जैसे दालें और चीनी बनाकर बहुत महंगी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें छोड़ कर गए थे वो आज फिर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। उनका किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, पर आज हम सबको मिलकर देवीलाल के सपनों को साकार करना है और लुटेरे को सरकार से अलग करना है। आने वाले चुनाव में इनेलो सरकार बनेगी और फिर से आपको पहले की तरह ही सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हवाई जहाज का तेल बहुत सस्ता हो गया है क्योंकि इसको पूंजीपति लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन डीजल बहुत महंगा है क्योंकि इसको आमजन प्रयोग करता है। देवीलाल ने वृद्धा सम्मान पेंशन लागू की थी, लेकिन इस सरकार ने उसको भी काटने का काम किया है। विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी है। देश के लोग बहुत दुखी हैं और केवल इनेलो पार्टी ही संघर्ष करते वातावरण को ठीक कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।